हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल एमी स्वाद में। आज हम रवा उत्तपम बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने एक बाउल लिया है, तो बाउल में मैंने यहाँ पे एक कटोरी सूजी ली है, बारीक सूजी है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे मिक्सर ग्राइंड कर ले और यहाँ इसमें हम सूजी डाल देंगे। तो इस सूजी को मैंने पहले से साफ करके लिया है। अब हम इसमें ये देखिए आधी कटोरी हम दही लेंगे, ये फ्रेश दही है, इसमें हम डाल देंगे। उसे थोड़ा सा हम मिलाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और थोड़ा पानी डालेंगे हम। और थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये एक कटोरी पानी हमने डाल दिया इसमें। अब इसमें हम एक बड़ा प्याज हमने इसे बारीक कट करके लिया था, इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, ये देखिए। अब अगर तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इसमें और मिर्ची डाल सकते हैं। अब इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। ये मैंने एक बड़ा टमाटर लिया, उसे मैंने बारीक करके कट कर लिया। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसमें और हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसका बैटर ठीक हो गया है इसलिए थोड़ा सा हम इसका बैटर थोड़ा पतला बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे बैटर होना चाहिए। अब इसमें हम मीठा सोडा डालेंगे। तो ये हम 1/4 टीस्पून इसमें ये खाने वाला सोडा डालेंगे और इसे मिलाएंगे। इसे मिलाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। बाद में हम इसका उत्तपम बनाएंगे। अब इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बाद में हम इसका उत्तपम बनाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा, ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये हमारा बैटर तैयार है। ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अगर आपका बैटर ठीक हो तो उसमें और थोड़ा पानी डाल के इस तरह से उसका घोल बना सकते हैं। अब इसे हम इसका उत्तपम बनाएंगे। तो उत्तपम बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे। यहाँ पे हम डोसा पैन लेंगे और उसको गैस पे रखेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। इसे हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और इस पर हम थोड़ा सा पानी के छींटे लगाएंगे और इसे थोड़ा सा पोंछ लेंगे हम। बाद में हम उत्तपम का बैटर डालेंगे इस तरह से, उसे थोड़ा राउंड शेप देंगे। इसके साइड के किनारे पे हम थोड़ा सा ऑयल छोड़ेंगे। थोड़ा सा ऊपर भी लगाएंगे।
ये देखिए इसके किनारे ऊपर आने लगी, अब इसे हम पलटी करेंगे। ये देखिए जालीदार डोसा बन गया हमारे यहाँ पे। देखिए मस्त बन गया है, इसे निकालेंगे हम और एक बना के देखेंगे। एक बार हम इसे ऑयल लगाएंगे और पानी की छींटे लगाएंगे और पोछेंगे। इसे थोड़ा फैला देंगे हम। थोड़ा ऑयल छोड़ेंगे यहाँ पे। ये देखिए इसकी कितनी मस्त जाली बन रही है। अब इसे हम पलटेंगे। परफेक्ट मस्त बन गए। ये बन गया है, इसे निकाल लेंगे हम। ये देखिए हमारा रवा उत्तपा तैयार है इस तरह से। अगर आप एक टेक्निक से बनाएंगे तो आपका रवा उत्तपम झटपट से बन जाएंगे। कोई भी मेहमान आए या झट से खाने में अगर मन हो तो आप इस तरह से उत्तपम बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।